अंपायर्स भी क्रिकेट ये सिर्फ गेम नहीं, ये दिलों को दिलों से मिलाता है। ये खेल मेरे लिए सिर्फ खेल नहीं, उससे कहीं बढ़कर है। ये खेल मेरे और मेरे दादा की दोस्ती स्ट्रॉन्ग करता था और अब मेरे और मेरे अब्बा की दोस्ती स्ट्रॉन्ग करता है। और उम्मीद करता हूँ कि आप भी अपने वालिद साहब से जुड़ जाते होंगे जब पाकिस्तान का मैच टीवी में आ रहा होता हो। बेशक मेरा सपोर्ट पाकिस्तान के हक में होता है और उनका बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उनके ज़माने में क्रिकेट होती थी, हमारे ज़माने में गिली डंडा। लेकिन फिर भी इस खेल की वजह से मैं कुछ घंटे अपने वालिद साहब के साथ एंजॉय तो करता हूँ। तो अगर आप मेरी तरह क्रेजी क्रिकेट फ़ैन हैं तो आपको ये ज़रूर पता होगा कि टेस्ट क्रिकेट ही असल क्रिकेट है। और मेरा ये ख्वाब था कि मैं अपने मुल्क में पाकिस्तान का टेस्ट मैच देखूँ लाइव, जो कि एक वक्त में बिल्कुल भी लग रहा था कि पूरा नहीं होगा। लेकिन थैंक्स टू PCB फाइनली 24 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को देख रहे हैं अपनी सरजमीं पर, कराची अपने शहर में। तो अब तक पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 7 दफ़ा खेल चुके हैं, जिसके अंदर पाकिस्तान 5 दफ़ा जीता है और 3 दफ़ा मैच ड्रॉ हुआ है। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान जो है किंग है अभी तक और अनबीटन है, ऑस्ट्रेलिया ने कभी नहीं हराया हमें। अब तक की टेस्ट की कहानी में इमाम भाई बड़ी जल्दी आउट हो गए, ग्रेट बॉलिंग बाय नेथन लॉयन, जीता है साला गंजा ये। और फिर इनका देखा देखी अजहर भाई आए और अजहर भाई ने बोला कि भाई जब मेरे भाई साहब जल्दी आउट होंगे तो मैं कैसे पीछे रहूं, इमाम भाई गेट खोलो मैं भी आ रहा हूं। तो वो भी जल्दी चलते बने। उसके बाद अब्दुल्ला शफीक ने थोड़ा सा सेंसिबल खेलने की कोशिश करी, लेकिन ऑल थैंक्स टू स्टीव स्मिथ, उन्होंने कैच छोड़ा उनका और अब्दुल्ला शफीक ने बेहतरीन बैटिंग उसके बाद शुरू करी बाबर भाई के साथ। बाबर भाई ने अपनी पूरी क्लास दिखाई, ये कट शॉट, ये कवर ड्राइव और फिर आवाम का चिल्ला चिल्लाना। दोनों बॉयज़ ने बहुत अच्छी बैटिंग करी और यहाँ पर 100 रन की पार्टनरशिप मुकम्मल और अपने अपने 50 रन भी मुकम्मल किए। बाबर आजम ने स्विप खेला और दिल बाहर सीना अंदर हुआ हम फैंस का, लेकिन इन दी एंड बाबर भाई ने सजदा करके अपनी सेंचुरी मुकम्मल करी और फिर सेलिब्रेशन में बता दिया कि अभी हम जिंदा हैं, चिल करो बॉयज। पार्किंग से जा रहे हैं स्टेडियम की तरफ, पार्किंग इतनी दूर है उजैफा भाई, व्हाट इज, बहुत चल रहा है, बहुत दूर है। और ये सामने देखे ये बाथरूम का सीन है, ये देखे बाथरूम का सीन देखे आप, अगर किसी को लग गई टट्टी पेशाब तो इसको इतनी दूर आना पड़ेगा। यार ये जुल्म है यार ये आवाम के लिए है मुजफ्फर भाई, ये पहली कर करके आए जिसको भी करना है ना। हाँ, अगर कोई यहाँ भी रहेगा यहाँ पे आके फारिग हो जाए पहले, फिर उसके बाद वहाँ जाए। अबे और अगर खाने के बाद दोबारा है फिर, ओह शिट, यहाँ से चलना शुरू हुए और मुझे दूर वहाँ टावर दिख रहे हैं। यार ये कितना चलेंगे, 500-600 कदम है भाई में, क्या हो गया है, 1000 500-600 कदम यहाँ पे आपके आगे जाके खत्म हो जाएंगे। ये देखे ये 50-60 हज़ार स्टेडियम बहुत दूर है, 50-60 हज़ार कदम है भाई, बहुत कुर्बानी दे रहे हैं हम, क्यों कोई बात नहीं, मोहब्बत है यार, इतना मुल्क मोहब्बत है, करेंगे चले इंशाल्लाह। और पीछे स्टूडेंट्स आए हुए, और ये इतना चलेंगे, ये बच्चे इतना चलेंगे, हमसे ज्यादा जज्बा रखते हैं, करना पड़ता। तो इससे पहले वाला आपने शॉट जो देखा है वो हमारी खुद की बेवकूफ़ी थी, गाड़ी थी गाड़ी थी लेकिन हम फिर भी पहिया गए। नहीं असल में ये था कि हमें लगा कि वो स्कूल के बच्चों के लिए, हाँ हमें लगा कि स्कूल के बच्चों के लिए, लेकिन वो सबके लिए था। और फिर पावर बैंक भी रोक दिया, ऑफ सीन हो गया, फिर दोबारा गए पावर बैंक रख कर वापस आए, तो खुआरी कर रहे हैं कोई बात नहीं भाई, एक और गलती कर लिया, गेट नंबर 1 ले लिया, हमने VIP टिकट लिया, हमने क्यों लिया, हमारी गलती है, हमने VIP टिकट क्यों लिया, बस हमने लिया, हमने कंफर्ट देखा अपना भाई, गेट नंबर 1 ले लिया हमने, वो आगे जाके पड़ रहा है। अभी देखे कितना चल रहे हैं, कोई नहीं हमारे साथ भाई, कोई नहीं है, सबने सस्ते सस्ते टिकट लिए हैं, सब पहले गेट से घुस गए अंदर, ये मतलब नहीं मजाक हो रहा है, मजाक ही हो रहा है और क्या हो रहा है, खुआरी हो जा रही। भाई देखें PCB ने फुल खर्चा वर्चा किया, ये पोस्टर वोस्टर लगाया है, लेकिन ये पोस्टर बाहर लगाना था भाई, ये देख के लोग आते क्यों, जो बात ये जहाँ लगाना था वहाँ तो लगाया नहीं, इन्होंने यहाँ पे स्टेडियम के अंदर लगा दिया, स्टेडियम के अंदर कौन देखता है भाई। फाइनली भाई स्टेडियम पहुंच गए उजैफा भाई, व्हाट इज हैपनिंग, और व्यू है भाई, व्यू नेक्स्ट लेवल है, आई होप कि मेरी आवाज़ आ रही होगी, सामने बच्चा पार्टी आई हुई है, ये शोर बजा रही है बहुत यार, बाजा बजा रही है यार, लेकिन व्यू ज़बरदस्त व्यू है यार, मज़ा आ गया।
भाई, करीब आओ, आवाज़ नहीं, करीब आओ। बहुत 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 टाइट वाइज है भाई। भाई रिव्यू तो अच्छा है, लेकिन 242 पे दो हैं। बाबर इज प्लेइंग गुड, अब्दुल्ला शफीक इज प्लेइंग गुड। क्या क्या लग रहा है? उनसे पहले इंशाल्लाह शफीक की जो अपनी हो चुकी है सेंचुरी, सेंचुरी, और बाबर इंशाल्लाह, बाबर इंशाल्लाह। गुड शॉट यार, गुड शॉट। अबे वीडियो है जैफा भाई, स्टीव स्मिथ सीएफ पे खड़ा है, नेथन लॉयन बॉलिंग करवा रहा है, मिचेल स्टार्क कवर पे खड़ा है, पैट कमिंस, क्या हो रही है ये, अपनी आंखों से देख रहे हैं लोगों को, पाकिस्तान में स्टीव स्मिथ। और पिच पे कौन खड़ा हुआ है? यानी बाबर खड़ा हुआ है। चलो वो तो अपनी उसकी क्लास है, वो तो अपना पाकिस्तानी बॉय है यार। ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स को आप लाइव देख रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत टाइट, और ये बच्चे अलग ही माहौल पैदा कर रहे हैं यानी बहुत। भाई बाजा पकड़ लिया, बाजा अभी हम बाजा बजाएंगे। अब्दुल्ला शफी को कितने रन चाहिए थे? 3 रन चाहिए थे सेंचुरी के लिए, बेचारा आउट हो गया। पहली स्लिप पे किसने कहीं पकड़ा? स्टीव स्मिथ ने, हैं? कुछ नहीं पता। वनडे 20 भी लाहौर में शिफ्ट हो गई, वनडे 20 और वनडे होने थे ना पिंडी में, हाँ। वो लाहौर शिफ्ट कर दिया। क्यों, ये क्या बात हुई? उनकी मर्जी, पीसीबी की। कराची कर लेते। आप लोग सोच रहे होंगे हमारा बाहर खाना क्यों खा रहा हूँ, अंदर ऊपर भी खा सकता था। गैस वॉट कोल्डिंग अलाउ नहीं है, प्लास्टिक की बोतल अलाउ नहीं है, कह रहे हैं कि पूरा कोल्डिंग ख़त्म करें और फिर ऊपर खाना खाएं। मतलब पहले खाली पेट में कोल्डिंग पीऊँ, फिर मैं बिरयानी खाऊँ? हम बेवकूफ़ है क्यों? आपके सामने कहाँ खा रहे हैं, जगह दिखाओ, मेरे पास दिखाओ वापस। वेल डन पीसीबी, थैंक यू नेशनल स्टेडियम कराची। भाई ये स्टूडेंट है, ठीक है, पीसीबी ने बोला था स्टूडेंट्स को फ्री टिकट पे, कोई टिकट के कोई पैसे नहीं है, फ्री है। स्टूडेंट हो ना आप लोग? स्टूडेंट कार्ड दिखाओ, स्टूडेंट कार्ड दिखाओ, स्टूडेंट कार्ड दिखाओ, सब की लेना है भाई। ये स्टूडेंट है रमीश राजा, सर ये देखें, जिसका भी स्टूडेंट है, इनका ये भी कार्ड बनवाया है, ये कार्ड बनवा रहे हैं पीछे, इसे पैसे का कार्ड बनवाया है। तो पीसीबी आप क्यों बोल रहे हो कि फ्री टिकट है स्टूडेंट का, जब ने इन्होंने पे ही करना है?
हम दो लेवल ऊपर आ गए हैं यहाँ पे, और अच्छा व्यू दिख रहा है ना भाई। थोड़ा सा जितना ऊपर आओगे आप उतना अच्छा लेवल ऊपर होगा, उतना अच्छा लेवल आपका व्यू का होगा। हाँ भाई, दफा भाई अब्दुल्ला शफीक इज़ आउट, फवाद आलम इज़ आउट, वी हैव रिजवान एंड बाबर आजम द लेजेंड स्टिल प्लेइंग 150 प्लस नॉट आउट। अच्छा, फवाद आलम से हम लोग को एक्सपेक्ट भी नहीं था कि वो कुछ करेगा। हाँ, क्योंकि पिछले मैचेस में ओह व्हाट अ शॉट यार, बाबर लव है यार। यार आउटफील्ड बहुत स्लो है, उसकी वजह से बॉलें रुक रही हैं। ऑल दो बाबर आजम की कवर ड्राइव्स कमाल है, और उम्मीद तो यही है कि बाबर आजम की डबल सेंचुरी हो और ये हिस्टोरिकल टेस्ट हम जीतें, 506 का टारगेट हम चेस करें। कितने ओवर बाकी होगा भाई? मेरे ख्याल से 50-55 ओवर के अंदर हम लोगों को चाहिए 250 रन चाहिए। 250 यार बहुत रन है यार, लेट्स सी यार। आवाम देखो आवाम क्या चल रहा है। आसिम भाई फंसे हुए बुरी तरह। ऑलराइट जी, पैट क्यूमिस ने रिव्यू लिया है, LBW अपील की थी रिजवान की। उजैफ भाई क्या लगता है? नॉट आउट है अभी, हम ये रिप्ले देख रहे हैं। अब बल्ले का तो कोई वो नहीं है सीन, अच्छा डायरेक्ट पैड पे लगे, लेकिन थोड़ा सा ऊपर है, विकेट के ऊपर हो सकता है और एम्पायर्स कॉल मदद कर सकती है। चलो अभी अल्ट्राइज देखते हैं। अल्ट्राइज तो फ्लैट लाइन है, फ्लैट लाइन ही डायरेक्ट जो है पैड्स पे लगी है। हॉक आई दिखाओ फटाफट, शाबाश। हॉक आई हॉक आई आ गया जी, पिचिंग इन लाइन, रेड येलो अंपायर्स। ऑलराइट दोस्तों, अब हम उजैफा भाई के साथ एक गेम खेलेंगे अगले ओवर में। शुरू की तीन बॉलों पर उजैफा भाई आपको बताना है यार, बहुत शोर है, आई होप मेरी आवाज़ आ रही हो, बहुत शोर है। तो हमें गैस करना है कि अगले बॉल पे क्या होगा तीन बॉलों पर, ठीक है? तो पहली बॉल का गेम स्टार्ट, क्या होगा भाई? डॉट होगी, पहली डॉट होगी। तीनों एक साथ बतानी है, ठीक है? तीनों एक साथ बतानी है आपको भी और मुझे भी। चलो ठीक है, पहली डॉट सिंगल तीसरी डॉट। इसका ऑलराइट मेरा है, जस्ट फॉर फन खेलना है, ठीक है? पहली डॉट दूसरी पे सिंगल तीसरी डॉट, पहली डॉट दूसरी पे सिंगल तीसरी डॉट, इसका ऑलरेट मेरा है, ठीक है? जो जीतेगा वो जूस पिलाएगा भाई, देख लो नीचे रिश्ता है, ऐसे बाहर जाके जूस का, ठीक है? मिल जाएगा जूस पे मसला। चलो फर्स्ट डिलीवरी, डॉट बोला था जहा भाई ने, इसका ऑलरेट मेरा होगा। डॉट हुई, 1-0 जहा भाई जीत गए, जहा भाई जीत गए 1-0। लेकिन अगर दो तीनों में से एक भी खराब हो गया तो खत्म हो जाएगा। अगर तीनों में से एक भी खराब हो तो आपको जूस पिलाने नहीं जी, आपको पिलाएंगे ना, दोनों नहीं दोनों का कैंसिल। ओके जी, सेकंड पे क्या बोला था? सिंगल, मैंने बोला डॉट, डॉट 1-1 कैंसिल हो गया, 1-1 हो गया ना, कैंसिल क्यों हुआ? डॉट बोला था मैंने, डॉट हुआ ना, तो पहले आपका गलत हो गया ना, क्यों हो गया? अबे कंफ्यूजन नहीं बढ़ा यार, बस हो गया 1-1। तीसरी बॉल, आवाम बावली हो जाएगी इधर। ओके तीसरी बॉल डॉट, चलो भाई मैं जीता, 2-1 हार गया हमें। ऑलराइट दोस्तों, ड्रिंक्स ब्रेक हुई है, आई होप मेरी आवाज़ आ रही हो। जैफा भाई व्हाट द सीन, कितने रन चाहिए? रन चाहिए 140 समथिंग, नहीं नहीं कम चाहिए, 130 समथिंग, 120 कम समथिंग, 120 समथिंग रन चाहिए। कितने ओवर में भाई? 20 ओवर, 21 बाबर आजम को सिर्फ 18 रन चाहिए डबल सेंचुरी के लिए, रिजवान ने भी 50 करी है, हिस्टोरिकल विन के बहुत करीब पहुँचते जा रहे हैं हम लोग, और बाबर की स्टोरी का लॉक की तरफ। ऑलराइट जी, एवरीबडी स्ट्रेस और फुल टेंशन वाले फेसेस हैं, क्योंकि टुक टुक गेम चल रहा है, 16 ओवर बाकी है और 122-123 रन चाहिए, और कोई भी नहीं चाहता कि ड्रॉ हो मैच, क्योंकि डबल सेंचुरी एक बंदा स्कोर करता है, अभी तो हुई नहीं है, लेकिन डबल सेंचुरी एक बंदा स्कोर, बाय का रन मिल गया, डबल सेंचुरी एक बंदा स्कोर करता है और फिर भी मैच ड्रॉ हो जाता है। क्यों नहीं रहे, हो गया। अभी रिजवान को चाहिए कि खुल जाए, बैटिंग स्टार्ट कर दे, T20 याद आ जाए उसको, वो इंडिया के खिलाफ जो हमने खेला था है। मुझे बहुत देर हो गई है बाजा बजाए, अब दिल चाह रहे हैं अल्लाह पाक कुछ ऐसा हो जो मैं बाजा बजाऊं, प्लेयर्स चाह रहे हैं ड्रॉ हो, हम नहीं चाह रहे भाई, फैंस नहीं चाह रहे भाई, अब हिटिंग करो यार। बाबर 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 के पास फहीम आए, फहीम पहली बॉल पे आउट, व्हाट इज एज आई से दाना जी, एज आई टोल्ड
टॉप ऑर्डर गिरता है। अब बस ड्रॉ करवा लो भाई, खुदा का वास्ता ड्रॉ करवा लो। हैट्रिक बॉल फेस करेंगे, हैट्रिक बॉल, लेट्स सी क्या होता है। Yeah! Hat-trick ball survived! साजिद जो हिटिंग कर रहा था वो भी आउट हो गया यार। डिफेंड कर लेंगे। हसन अली, हसन अली, रिजवान, शाहीन आफरीदी। दोस्तों ख्वाजा ने अभी कैच छोड़ा है, 3 ओवर का खेल बाकी है। ज़ेफ़ा भाई क्या कहते हैं आप, ये मेरे कैमरा ब्लर कैसे हो गया? हाँ क्या कहते हो ज़ेफ़ा भाई, डिफेंसिव खेलना है, रोकना है, ड्रॉ में हमारी जीत है, ड्रॉ करना है इंशाल्लाह। और 3 ओवर में कितनी, अभी कितनी, 3 विकेटें बाकी है हमारी, अगर 3 ओवर में 3 विकेटें गई तो हार गए। 4 विकेट, हाँ 4 विकेट, 4 विकेट। रिजवान 91 पर है, 2 ओवर, 9 रन चाहिए, सेंचुरी होगी या नहीं होगी? इंशाल्लाह हो जाएगी, बस होगी, इंशाल्लाह होगी यार। दोस्तों फाइनली द मैच इज ओवर, गला हमारा हल्का सा बैठ गया है, हल्का सा थोड़ा सा। हाँ भाई ज़ेफ़ा भाई, समरी बताओ, पूरे सम अप कर दो आज के दिन। आए थे मतलब दिन शुरू हुआ, आज का दिन शुरू हुआ, हम लोग सोच रहे थे यार बस ड्रॉ हो जाए, मतलब किसी तरह ये ड्रॉ के लिए ही आए थे हम लोग, सच बात, लेट्स बी रियल, ड्रॉ के लिए ही आए थे हम लोग, हमें पता था ड्रॉ होगा, क्योंकि 500, 506 बहुत मुश्किल है भाई, हम लोग को ये था कि यार ये भी सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। एक चीज़ की मुझे बड़ी अफसोसनाक अफसोस है, वो है बाबर आजम की डबल सेंचुरी नहीं हुई। बहुत ही डिफेंसिव खेल रहा था, थोड़ा सा अग्रेसिव खेल लेता था यार अच्छा हो जाता, मतलब नंबर वन बैट्समैन है, इतना डिफेंसिव नहीं खेलना चाहिए, ठीक है प्रेशर है, लेकिन खैर वो नहीं, हाँ जो ग्राउंड में उसको पता होता है यार, बॉलिंग वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है वो भी, और टेस्ट मैच में खास तौर पे यार रेड बॉल से उनकी बहुत अच्छी बॉलिंग है। फिर उसके बाद दिल खुश कर दिया रिजवान ने यार, जबरदस्त, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, जिसको हम लोग सोच रहे थे कि बस ये ऐसी सो सो खत्म होगा डिफेंड करेंगे, लेकिन उसने सेंचुरी करके पूरी आवाम को खुश कर दिया, पागल हो गया स्टेडियम उसके से, वीआईपी मजा आ गया। तो लास्ट में हम ये कहेंगे इट वाज अ गुड डे, ग्रेट टेस्ट मैच, ड्रॉ तो वैसे ही था, जीत जाते तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता, हार रहे थे, ड्रॉ हो जाता तो अच्छा था, बीच में जीतने के चांसेस थे, उसने मजा दुबाला कर दिया, थोड़ा डिफेंसिव खेले, बॉलें जाया करी टुक टुक शुक टुक चक्कर में, रेड बॉल है। तो उम्मीद करते हैं आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर आपको आया तो लाइक ठोको भाई, ठोको लाइक, इतनी ख्वारी करके मैच देखने आया हो तुम लोगों के चक्कर में, बोलो इनको भाई ठोक दे भाई, आज ठोक दे ओके बाय।